हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हम रास्ता भटकने की वजह से सौर नामक जगह जो कि मड़ाओग में पड़ती है वहां नहीं पहुंच पाए थे। तो आज हम एक बार फिर से सौर के लिए निकल पड़े हैं और आज के हमारे गाइड रहेंगे अंशुल, जो कि पहले भी सौर जा चुके हैं। और ये वीडियो हमने वहीं से शुरू किया है जहाँ से हम रास्ता भटक गए थे। सो लेट्स गो। यही मान लो सौर छोड़ो पहुंच गया अंशुल। याद कर जरा, फोटो निकाल भाई, आगे चलना है, यहाँ नहीं रुकना। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर बर्फबारी भी काफी है, चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि फिर दोबारा से हमने सेम ही मिस्टेक दोहराई है। हम स्पोर्ट शूज और फ्लीट्स में ही आए हैं। ये देखिए, एक हमें छोटा सा व्यू मिला है। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है, ऊपर से आइस जमा हो रखी है। हमने चोटी से आए, फिर उतराई, उतरे, फिर अब फिर दोबारा से चढ़ाई। ये जिगजैग ही चला हुआ है, पता नहीं, बोल तो ऐसे रहे अंशुल जी की एक घंटे में हम सौर पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। और ये रही हमारी आज की टीम सौर के लिए। अंशुल पराठा जी, रोनिस्तान जी, सौरभ कांटा, सैज, और हमारे कुछ टीम मेंबर्स जो आगे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सौर हम पहुंच चुके हैं, देखते हैं कि ये जो सौर है कैसी जगह है, लेट्स सी। आखिरकार हम 2 दिन की पैदल यात्रा के बाद सौर पहुंच ही चुके हैं। दूसरे दिन की पैदल यात्रा के बाद दोबारा से हमने जितना फर्स्ट डे हम चले थे, सेम सेकंड डे हम अपने घर से निकले सुबह 10:30 बजे। और ये रहा आपका सौर। क्या जगह है पता नहीं, एक तालाब है और इस तालाब में जो पानी इकट्ठा हो रखा है, काई जमी है। तो ये है जी हमारा सौर। कौन सा सौर? ये नहीं, ये है सौर। इसे सौर कहते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे मड़ाओग बेल्ट के बिल्कुल बेल्ट में पड़ता है ये। तो ये जगह है, बहुत अच्छा व्यू है। ऑल दो जो ये छोटी सी झील सी बन रखी है, इसमें काई जमी है। मंदिर के साथ जाना था। अरे व्यू दिखाऊंगा यहाँ पर, क्या व्यू है दिखाऊंगा, अच्छा व्यू है। देखो ना, देखो भाई, ये गहरी जगह फिर ये। और क्या भाई, वो नहीं बोल रहे थे कल? नहीं नहीं, ज्यादा गहरी नहीं, नहीं गहरी है भाई, ये नहीं है भाई, गहरी है भाई, वो भी बोल रहे थे। बोल रहे थे लग रहा है पत्थर मार के बाद भी की तरह चीज। हेलो, ये हमारे अंशुल पराठा जी। पत्थर मारो से बड़ा पत्थर अंदर लग जाएगा, पता ये तो भाई वो है बीच में, गहरा ये गहरा है सौर, अभी मान ले तू बात। तो ये है हमारी सौर जगह। तो थोड़ा सा पूछते हैं, हाँ जी वंश कांगटा जी, आपको कैसा लगा यहाँ सौर पहुंचने के बाद? बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। तो आपने मतलब पिछले कल 2-3 दिनों से कंटिन्यू सौर जाना है, सौर जाना है, एक ही रट लगाए रखी थी। ये है वो इंसान जिसकी वजह से आज हम दोबारा से सौर आए हैं, क्योंकि जब हम पिछले कल आए थे तो हमने सोचा कि अब हम दोबारा से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उस दिन
सुबह 10:30 बजे 10:15 बजे घर से चले थे और शाम को 6 बजे तक हम कंटिन्यू चलते रहे, तब जाके हम घर पहुंचे थे। तो हमने डिसाइड किया था कि अब हम सौर अभी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो आगे गर्मियों के टाइम में जाएंगे। लेकिन जो हमारे वंश गांगटा जी है, इन्होंने कहा नहीं, सौर जाना है तो नेक्स्ट डे ही जाना है, और ये आज दोबारा से हमें सौर ले आए और आज हम पहुंच भी गए हैं। तो ये है हमारे अंशुल बराठा जी, जिन्होंने आज हमें सौर का रास्ता दिखाया। पिछले कल हम रास्ता भूल गए थे, भटक गए थे, हम पहुंच चुके थे पंथा की टीर। और कुछ कहना चाहेंगे रौनक स्नान जी, आप कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है सौर पहुंच कर? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा था कपड़े खोल के। अच्छा, तो हनुमान जी जब पर्वत उठा कर आए थे, तो अच्छा हनुमान जी यहाँ पर मतलब थोड़ा सा विश्राम करने के लिए अपना एक गोड़ा रखा था, उस जगह से ये जमीन नीचे धस गई। ये जो स्टोरी अभी अभी अंशुल ने हमें बताई काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सही है या गलत इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में और अभी बताएं। राठा जी बोल रहे हैं यहाँ से आगे एक टेंपल, एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है। तो अब टीम जा रही है, एक मंदिर पड़ता है आगे कुछ 10 से 15 मिनट की दूरी में, देखते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं जो मंदिर था सौर से आगे। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं सौर, ये है सौर मंदिर। दोस्तों यहाँ पे हमारे हमें दो दोस्त मिले, मनीष और पीयूष, जो कि देहा के रहने वाले हैं। ये जगह कौन सी, यहाँ क्या बोलते हैं, क्या टीर? ये हम पहुंच चुके हैं टीर, जगह का नाम है। यहाँ से जो व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू। उस बच्चे को बुलाया उन्होंने, कहा पिताजी के पास था, इसकी एक गाड़ी सिर्फ मां-बाप को ही थी, तभी ढूंढा होगा। आ जा तू, वो तो काफी देखते है, चला गया बेचारा बच्चा। उसको जैसे बुलाया ना, उसे सोच रहा था ना, वो बोलता तो कहीं कहीं का पूरे मेरे को निकाल तो मैं आपके डंगर भी देखूंगा, आपका काम भी करूंगा, सब कुछ करूंगा बेचारा। माया के चक्कर में माया, और आज उनका तो खास हो गया जिनने वो किया होगा, तो माया भी नहीं है उनको। जैसा कि अभी मनीष और पीयूष ने हमें बताया, यहाँ पर जो टीर जगह है, लगभग 30 से 35 साल पहले एक बच्चे को यहाँ पर मारा गया था, जो कि 10 से 12 साल का रहा होगा। वो इस वजह से कि वहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ अगर किसी इंसान की बलि दी जाएगी तो उन्हें यहाँ पर माया मिलेगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो बेचारा बच्चा था 10 से 12 साल पहले का, उसे उन्होंने यहाँ पर मारा था, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना थी। ओए ये तो सौर से अच्छी जगह है भाई, सौर का दूसरा ही है, बिल्कुल सौर भी ऐसा ही जैसा बिल्कुल है। पूरी चौपाल तहसील दिखी गई आपके यहाँ से पीछे सिरमौर का एरिया। ये है टीर जो कि मड़ाओग से बिल्कुल ऊपर पड़ती है जगह, यहाँ भी बहुत अच्छा व्यू है। ये व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू।
और ये है टीर जगह जो कि यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है, द ऑसम व्यू। यहां से चूड़धार की चोटियां दिख रही है, ये है हमारी चूड़धार की चोटियां। अच्छा ये धुरला है जो ऊपर दिख रहा है, ये इनकी जो अनुभूत बोलते हैं ये सारा ये ऊपर को, और ये खाली है किया हुआ है, काट दिया ये कि इसमें पेड़ है भी। अच्छा ये रोड से ऊपर जितना भी है ये रोड है, नहीं उसके पीछे आपका सिरमौर का एरिया है, धुआं निकल गया कैमरे से। भाई तो दोस्तों हम अब वापसी की ओर चले हैं, घर की ओर। ये बहुत अच्छी जगह थी, यहाँ टीर बोलते हैं इस जगह को, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ का। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर वापसी। तो ये था हमारा आज का सफर जो कि बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मजा आया। ब्रेक है ये हमारी पूरी टीर बोला, ये टीर जगह। वैसे टीर तो मतलब जंगल को टीर ही बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, तो यहाँ का नाम भी टीर ही है। ये सौर के आगे जो टीर पड़ती है वो जगह है ये। एक बार थोड़ा सा व्यू फिर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये हम वापस घर की ओर जाते हुए टीर से वापस आए हैं, जो कि जब हम सौर से टेंपल की ओर मंदिर की ओर आ रहे थे, ये उस जगह पे हम अब वापस पहुंच चुके हैं टीर से, जो कि मड़ाउग से ऊपर टीर नामक एक जगह पड़ती है, स्थान पड़ता है। ये यहाँ पे जो टेंपल है ये काली माता का टेंपल है, काली माता का मंदिर है ये। और वैसे तो यहाँ तक ऑल दो सड़क भी आती है, पुंदर की साइड से मड़ाउग होते हुए सड़क इधर आती है, लेकिन अभी ये सड़क बंद है जैसे कि आप देख रहे हैं, बर्फबारी है पूरी तरह से और रास्ता सड़क बिल्कुल बीच में ख़राब है। लेकिन जब हम कोटखाई से सौर के लिए आते हैं तो उधर से कोई भी सड़क रास्ता कुछ ऐसा नहीं आता है, तो हम तो जंगल के रास्ते से ही आए। ये है काली माता का स्थान, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा दृश्य है। और अब हम वापस अपने घर की ओर जाते हुए, लगभग टाइम क्या हो गया भाइयों, 4:23 हो गया है। यहाँ से हमें लगभग
साढ़े तीन चार घंटे अभी और लगेंगे घर पहुंचते पहुंचते। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है काली माता का टेंपल। अब ये हमारी वापसी घर की ओर। चलो घर चले, घर चले हम, घर चले हम। तो आज का सफ़र इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर कहीं ना कहीं कहीं और किसी और कोई और जगह एक्सप्लोर करेंगे, और डेफिनेटली आपको भी एक ब्लॉग बना के दिखाएंगे। ऑल दो हम यहाँ पे सौर वापस पहुँच चुके हैं और अब घर की वापसी हो रही है। तो लेट्स सी सौर। करो खींचो। एक बार और आपको सौर का व्यू दिखाते हैं। एक व्यू दे दो भाई, एक हाय दे दो कैमरे को। बड़ी अच्छा वो आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे, हर कुछ फोटो आएगी भाई। एक फोटो कैमरामैन की तरह। तो ये देखिए आप, क्या ऊंची चोटियाँ हैं, और इस जगह से हमें ऊपर चढ़ना है। अभी पूरी फुल चढ़ाई है ये, तो देखिए क्या ऊंची ऊंची चट्टाने हैं, क्या नजारा है यहाँ से। ये नजारा बहुत ही प्यारा है। और दोस्तों हम वापस आ पहुंचे हैं गुज्जर कोठी। पहुंचे हैं वापस तूना माँ काली के स्थान पे। और यहाँ से देखिए आप सनसेट अब होने ही वाला है कुछ 30-40 मिनटों में, और बहुत ही अच्छा व्यू सनसेट का। और ये अब देखिए आप सनसेट का पूरा व्यू, बहुत ही प्यारा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अंधेरा बहुत हो चुका है, और फ्लैश लाइट के जरिए हम अब चल रहे हैं। रास्ते का भी पता नहीं लग रहा है अब इसमें, और लगभग 7:30 हो चुके हैं।
और वैसे भी आपको जैसे कि पता है कि अगर जंगल में अंधेरा जल्दी हो जाता है क्योंकि पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं तो रोशनी पूरी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। और ये जंगल वैसे भी इतना खूंखार है कि जंगली जानवर का भी यहाँ पर डर बना रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर जंगली भालू और लेपर्ड तेंदुआ ज़्यादातर इस जंगल में होते हैं। जो भी हमें बंदरों की बात भी आ रही है, अभी जंगलों के बीच भालू भी मिल सकता है हमें, जो कि मेरे को भालू के संकेत लग रहे हैं। और जो कि हम जहाँ से आए थे वहाँ पे हमने बकरे वाले देखे थे, गुज्जर लोग, उनकी ताक में भालू रह सकते हैं जंगलों के बीच छुपे हुए, जो कि हमें भी मिल सकते हैं। और हम फिर से एक बार चौड़ी रास्ता में पहुंच चुके हैं। अब हम गन में एलजी, अब लगभग यहाँ से हमें 15 मिनट का रास्ता और अपने घर के लिए जाना है, लगभग 15 मिनट और लगेंगे। और अंधेरा पूरा हो चुका है, इतना ज्यादा अंधेरा है कि अगले मोड़ पर भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि अगले मोड़ पे क्या है। अब देखिए हम दूसरी, और हम अब थोड़ा सेल्फ डिफेंस भी तैयार कर रहे हैं हम, कौन सी है एलजी या, थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस भी जरूरी है क्योंकि जंगल बहुत घना है। बात ही मार रहे तो दोबार को पता लग नहीं रहा है कुछ। अरे यार आगे आ जा, थोड़ा सा शोर करना जंगल में ठीक रहता है ताकि जो जंगली जानवर है वो अपना रास्ता बदल दे। हम बिल्कुल घर के पास पहुंचे हैं, यहाँ पर बकरे हमें मिले हैं। कहाँ गए थे? हम गए थे टीर ऊपर। ए छोकरो, बड़ी जल्दी लगा तुम्हारे को पत्ता, लेट हो गया तुम, बालू आके चला गया। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं घर वापस, सिर्फ एक मिनट का रास्ता रह गया है यहाँ से अपने घर के लिए। तो इसी के साथ आज का ये सफर समाप्त होता हुआ, ये सेब के बगीचे पहुंच चुके हैं अपने घर पे। अंदर आरती हो रही है, पापा ने आरती भी कर दी है, बहुत लंबा सफर, पूरे 8 बजे घर पहुंचे हैं। तो हम सुबह 10:30 बजे चले थे हम सुबह, और अभी 8 बज चुके हैं। तो ये पूरा 10:30 से 8 बजे तक हम कंटिन्यू चल रहे हैं। इसमें लगभग यही रखिए कि सिर्फ हम एक आधा घंटा बैठे होंगे, जिसमें हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया, और हम पूरे ट्रिप में चलते रहे। तो इसी के साथ ये आज का ट्रिप समाप्त हुआ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगा।